आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। ये देखो, ये हमारी प्रॉब्लम है। हमारे पास गिवन है ब्लैक बॉडी रेडिएशन की वेवलेंथ 0.3 माइक्रोमीटर में, ये है वेवलेंथ, ठीक है। हमें निकालनी है टेम्परेचर की जब ये वेवलेंथ मैक्सिमम इंटेंसिटी है, ठीक है। हाँ, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए हम यूज़ करेंगे वॉइस डिस्प्लेसमेंट लॉ। वॉइस डिस्प्लेसमेंट लॉ, लॉ क्या बताता है, लेमडा मैक्स इंटू टेम्परेचर इज इक्वल टू बी, और ये बी होता है, ये होता है कॉन्स्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 2.3, इसकी वैल्यू होती है 2.9 इंटू 10^-3 मीटर केल्विन, ठीक है। अब हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला निकल के आ गया, हमें टेम्परेचर निकालना है, वेवलेंथ तो गिवन है। टेम्परेचर हो जाएगा बी अपॉन लेमडा मैक्स, लेमडा मैक्स की वैल्यू ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। बी की वैल्यू हम पुट करते हैं 2.9 × 10^-3 मीटर केल्विन अपॉन लेमडा मैक्स की वैल्यू है 0.3 × 10^-6 मीटर, तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 0.99 × 10^4 केल्विन, ठीक है। अब ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन इसका सही आंसर है, ठीक है। सही आंसर तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। जब चारों के चारों ऑप्शन को हम देखते हैं तो हमसे पूछा है एप्रोक्सीमेट वैल्यू, इसके सबसे नियरेस्ट वैल्यू क्या आ जाती है, 10^4 केल्विन, तो 10^4 केल्विन हमारा आंसर हो जाता है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।